सर क्या कुछ मामला था आज धरना प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा किया गया? आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक जिला कार्यालय में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। कुछ दिन पहले जो राजगढ़ में जो घटना हुई मोबाइल के, इसमें भारतीय जनता पार्टी के निहत्थे कार्यकर्ताओं पर कलेक्टर द्वारा और वहां के एसडीएम द्वारा अत्याचार किया गया, उनको मारा गया और उनके ऊपर कार्रवाई की गई। उसके विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हम ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि सीए का समर्थन करने वाले उन निरीह कार्यकर्ताओं के ऊपर जब सरकार से शांतिपूर्ण वो बात कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने कलेक्टर ने अपने अधिकारों का उल्लंघन करते उनके बीच में गए और जा करके कार्रवाई करी, जो कार्रवाई किसी कांस्टेबल को करना चाहिए थी, किसी पुलिस अधिकारी को करना चाहिए थी, उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा है। इस पर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ अभी धन प्रसाद अहिरवार का मामला जो यहाँ पर हुआ है सागर में, जिसमें अल्पसंख्यकों द्वारा, जो भारत के अल्पसंख्यक हैं उनके द्वारा उसको मारा गया, उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसका इलाज नहीं हुआ व्यवस्थित रूप से और दिल्ली में उसकी सफदरजंग हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई, उसके लिए भी हम सब उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में सारे भू माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। अगर मध्य प्रदेश में भू माफियाओं पर कार्रवाई करना है तो जरूर करें, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन सारी भू माफियाओं की सूची आप पहले पब्लिश करें, जारी करें और उसके बाद हर किसी के ऊपर कार्रवाई करें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर कानूनी मामले बनाए जा रहे हैं और भेदभावपूर्ण कार्रवाई करी जा रही है। इस बात को लेकर के पूरा कार्यकर्ता आंदोलित है और हम सब यहां पर आज दिन भर से धरने पर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। और आज इस कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर के राज्यपाल महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है, वहाँ में राज्यपाल जी तक हमारी बात पहुँचे और जो सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, जो सीएए का विरोध करने वालों का समर्थन कर रही है, जो केंद्र सरकार का कानून है जिस पर कि संघीय ढांचे के आधार पर नागरिकता देना केंद्र सरकार का काम है, उस पर राज्य सरकार हस्तक्षेप कर रही है और विरोध करने वालों को उनकी पीठ पे हाथ रख रही है। जलियांवाला बाग की कांड की याद दिलाता हमको यह आंदोलन, राजगढ़ की घटना जिस तरह से निहत्थे कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है और कलेक्टर ने स्वयं घुस करके मारा है और वहाँ के अधिकारियों ने, ये अपने आप में शर्मनाक है। और भारत जैसे देश में जहाँ पर लोकतंत्र है, वहाँ पर किसी एक सरकार के प्रति अपनी निष्ठा ज्ञापित करने के लिए अपने अधिकारों से ज़्यादा कार्रवाई करना ये कहीं न्यायोचित नहीं, इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अरे अवैध उत्खनन के बारे में क्या है? अवैध उत्खनन के बारे में भारतीय जनता पार्टी सक्षम है और उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से हमारे माननीय विधायकों ने अभी 3 दिन पहले यहाँ चकाजाम किया है और पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता खड़ा होकर इसका विरोध करेगा। जिलाध्यक्ष जी ने भी बताएंगे जो उन्होंने काम किया है। आज जैसा कि अभी भाई साहब ने आप सबों को प्रदेश के लिए भी मुद्दों को बताया, आज यहाँ के स्थानीय मुद्दे जो कि अवैध उत्खनन, रेत उत्खनन को लेकर के हो या कोयला हो या कबाड़ हो, इस तरह के चोरी वाले विषय जो कि इस शासन के द्वारा इस कांग्रेस सरकार में संचालित किए जा रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के इस धरना प्रदर्शन में हम सब लोगों ने उसका भी विरोध किया है। कल जो है हम लोगों ने कादो पानी में अवैध रेत उत्खनन के बारे में वहाँ पर चक्का जाम किया था। आने वाले समय में हम लोग जो है, अगर शासन प्रशासन नहीं चेत, आने वाले समय में इससे बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, उसके लिए हमको थाना को घेरना हो, चौकी को घेरना हो या हमारे किसी भी रेत खदान को घेरना हो, तो हम लोग काम करेंगे।